तो आज के इस वीडियो में हम आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक है ना, क्लास 12 के फिजिक्स के पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर आए हैं, 120 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन एक वीडियो में ओनली 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा के एकदम गारंटी है कि आपके अंदर दिमाग में पूरा समझिए कि हम सेट कर देंगे। बस ओनली जानते हैं 5 से 10 मिनट, ठीक है ना, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा इस 5 क्वेश्चन को समझाने में। ओकरा बाद यदि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखे होंगे तो आप लोग क्या करिएगा कि मेरे वीडियो आगे पीछे करके जो हम बोलेंगे उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां से वादा है ना कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी, ठीक है ना, कमजोर से कमजोर मेरा भाई जिसको फिजिक्स में ककहारा नहीं आता है ओकरा, ठीक है ना, ओकरा ककहारा ना बुझाला फिजिक्स में, ओकरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओकरा से ना याद होला, वो अभी तक क्वेश्चन आंसर नहीं लिखले, कोनो दिक्कत नहीं है, 80 आएगा फिजिक्स में, 80 आएगा, 100 में क्या आएगा, 80 आएगा। कैसे देख लीजिए, मान लीजिए 35 को एक नंबर या तो खड़े खड़े मिलेगा, 35 को एक नंबर ये तो डिटो मिलने वाला है, क्योंकि हम आपको इतना प्रैक्टिस कराएंगे, इतना करा चुके हैं कि 35 को आराम से आप लोग मार दीजिएगा। ओकरा बाद बताइए बाबू हमको क्या करना है, 15 नंबर का आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 3-3 को लिखना होता है, ठीक है ना। तो हम 5 नंबर ये मान लेते हैं कि आपको 15 नहीं देगा, 10 देगा, काहे कि तीनों का तीनों करेंगे वायरल, ठीक है, तीनों का तीनों क्या करेंगे, वायरल करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपको 15 नहीं देगा, 10 देगा, ठीक है ना, मान लेते हैं कि 10 देगा। हाँ, फिर सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव हम लोगों को लिखना है 20 नंबर का, ठीक है ना, यानी 10 को क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को लिखना है, यानी हम लोगों को 10 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो 10 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो मान लीजिए कि 20 नंबर का लिखेंगे, तो 20 नंबर मान लीजिए हमको 20 नहीं देगा, एक ही नंबर मान लेते हैं कि एक ही नंबर दिया सन तो 10 नंबर, ठीक है ना, 10 नंबर। ओकरा बाद प्रैक्टिकल में मान लेते हैं 25 नंबर, प्रैक्टिकल में 25 नंबर मिल जाएगा ना, अरे छीन लीजिएगा, पैसा वैसा दे दीजिएगा, 25 नंबर दे देगा, नंबर का उठाना है ना, तो 25 नंबर दे दीजिएगा। तो 25 नंबर जोड़िए तो कितना होगा, 30 20 50, 5 5 10, मतलब 60, 60 20 कितना हो गया, 80, मतलब कमजोर से कमजोर स्टूडेंट का फिजिक्स में 80 आएगा, ठीक है ना। तो एक नंबर यह तो पूरा कहानी खत्म है उसका, इतना करा दिए हैं। 5 नंबर या वायरल होगा, सेम टू सेम बचा के छाप देना है, ठीक है ना, 5 नंबर क्या करना है, सेम टू सेम छाप देना है। 2 नंबर या पूरा कराइए रहे हैं, 2 नंबर ये जो आप लोग देख लीजिएगा ना, बस इसको भी लिखिए देना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, जब फिजिक्स में 80 100 लाना है तो छोड़ना क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है समझाइए। आवेश संरक्षण सिद्धांत, संरक्षण मतलब क्या होता है कि ना हानि होगा, ठीक है ना, मतलब कि यह कंजर्व रहता है, ठीक है ना, क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब कि किसी भी प्रक्रिया में मतलब कोई वस्तु आवेशित होता है तो आवेशित होने से पहले जितना आवेश था, आवेशित होने के बाद जितना आवेश है उतने रहेगा, क्या रहेगा, उतने रहेगा। मतलब कि मान लीजिए कि एगो बाल्टी है 5 लीटर के, एगो बाल्टी है 10 लीटर के, ठीक है ना, एगो बाल्टी 5 लीटर, एगो बाल्टी 10 लीटर का, तो 10 लीटरिया में क्या है कि पानी भरल है, क्या है, पानी भरल है, तो ओकरा में समझ क्या करल जाए, आधा पानी 5 लीटर बाल्टी में ला के डाल देवल जाए। तो पहले कितना था पानी, 10 लीटर, आधा एकरा में डाल दिए तो पूरा पानी कितना होगा, 10 लीटर ना होगा। तो वही तो आवेश संरक्षण सिद्धांत है कि किसी भी प्रक्रिया से, ठीक है ना, पहले जितना आवेश था और उस प्रक्रिया के बाद जो आवेश होगा सबका जो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, कंजर्व होता है। तो यही तो हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत है, इसी को लिखाना है कि किसी भी प्रक्रिया, ठीक है ना, किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने से पहले जितना आवेश था तो आवेशित करने के बाद भी उतना आवेश रहेगा। वो करेंगे कहल जी आवेश संरक्षण सिद्धांत, दिल में उतरा ना, मतलब किसी भी प्रक्रिया से पहले किसी भी प्रक्रिया के बाद टोटल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, प्रक्रिया से पहले जितना आवेश था प्रक्रिया के बाद उतने आवेश रहेगा। इसी सिद्धांत को कहते हैं संरक्षण सिद्धांत, याद, आगे बढ़ा जाए।
विद्युत द्विध्रुव ध्रुव और द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण क्या है, ये अलग माजरा है, ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन चलता है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव ध्रुव चाहे द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण जानते हैं क्या है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्या है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। द्विध्रुव ध्रुव क्या होता है कि समान परिमाण के आवेश रहेगा लेकिन विपरीत नेचर का रहेगा। जैसे मान लीजिए, कि आप लोग को एगो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ही घर में, ठीक है ना, एक ही घर में चाहे दो गो दोस्त है, ठीक है ना, दो गो दोस्त है, समान लंबाई का है, समान चौड़ाई का है, समान कद का है, समान स्मार्टनेस का भी है, ठीक है ना, लेकिन एगो सही काम करता है, वो गलत काम करता है। जैसे मान लीजिए कि दो गो दोस्त है, देखने में भी सुंदर है, ठीक है ना, हाइट में, लंबाई में, चौड़ाई में, ठीक है ना, सब चीज़ में बढ़िया है, लेकिन क्या है कि एगो बेचारा ईमानदारी पर रहता है, एगो बेईमानी पर रहता है, तो मतलब क्या कहेंगे कि उन दोनों का परिमाण तो सेम है लेकिन नेचर अलग अलग है, एगो साला चोर है तो एगो बेईमान है, क्या है, एगो सॉरी एगो ईमानदार है तो एगो बेईमान है, एगो ईमानदार है तो एगो का है, एगो बेईमान है, तो वो सही तो एकरा में होता है। विद्युत द्विध्रुव ध्रुव में दो गो आवेश रहेगा समान परिमाण का, ठीक है ना, दो गो आवेश रहेगा समान परिमाण का, हाँ, इनके बीच का जो दूरी होता है वो निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है, तो इस निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एगो लेते हैं प्लस टू कूलम्ब, यहाँ लेंगे माइनस टू कूलम्ब, इनके बीच का दूरी आर कर देते हैं, तो ये था हमारा विद्युत द्विध्रुव ध्रुव हो गया, क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव हो गया, मतलब कि समान परिमाण का आवेश रहेगा लेकिन विपरीत नेचर का रहेगा, यानी एकरा प्लस है, एकरा माइनस है, एकरे को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव कहते हैं, याद हो गया। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, समान परिमाण का आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के चिन्ह के, मतलब कि दो आवेश होते हैं और इनको एक निश्चित दूरी पर रखते हैं, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव ध्रुव कहते हैं, बस हो गया। विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू लोग कि यहाँ हमारा एगो आवेश है माइनस क्यू, यहाँ हमारा है प्लस क्यू, हाँ, इनके बीच का दूरी आर है, क्या है, आर है, तो विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण जानते हैं क्या कहता है कि द्विध्रुव ध्रुव में जवन दुगो आवेशवा रहेगा न, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव में जवन दुगो आवेशवा रहेगा ओकरा में से एगो आवेशवा का हम परिमाण लेंगे, का लेंगे, परिमाण लेंगे, तो यहाँ एगो परिमाण बेचारा आवेश का लिख देना है क्यू, ओकर बाद क्या कहता है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण हो गया ना, ओकर बाद कहेगा कि हमको एकरा बीच का दूरी लिख दीजिए, ठीक है ना, बीच का दूरी लिख दीजिए, तो हम बीच का दूरी हम आर लिख देते हैं, यही हमारा क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण हो गया, बताइए। तो विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण क्या है कि द्विध्रुव ध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यह एक सदिश राशि है, इसे पी से सूचित करते हैं तथा इसका दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, दो का दो नंबर देगा, दो का दो नंबर देगा, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटिकीकरण क्या है, क्वांटिकीकरण क्या होता है भैया, क्वांटिकीकरण क्या होता है नहीं मालूम है, दिल में बसेगा, दिल में क्वांटिकीकरण क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोनो भी वस्तु में आवेश होगा ना, कोनो भी वस्तु में आवेश होगा तो वह इलेक्ट्रॉन के मान से भागा देने पर पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है ना, तबे वह होता है क्वांटिकीकरण। जैसे मान लीजिए कि कोनो भी द्रव्यमान होता है ना, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 3.2 किलो, ठीक है ना, 4.8 किलो, 4.3 किलो, ठीक है ना, चाहे 10 किलो, 12 किलो, ऐसे हो जाएगा, लेकिन आवेश नहीं होता है, क्या होता है, आवेश नहीं होता है, आवेश कहता है ना कि हम इलेक्ट्रॉन के मान के एक गुना, दो गुना, चार गुना, दस गुना, हई गुना, हौ गुना, मतलब कि प्राकृत संख्या में गुना होंगे, ठीक है ना, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश होगा ना तो वह इलेक्ट्रॉन के मान का गुना होगा, जैसे दो गुना, चार गुना, पाँच गुना, मतलब प्राकृत संख्या का गुना होगा, क्या होगा, प्राकृत संख्या का गुना होगा, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के मान का 1/3 गुना, 4/3 गुना, 10/3 गुना, ठीक है ना, 7/2 गुना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के मान का पूर्ण गुणज होता है, वही होता है आवेश का क्वांटिकीकरण, ठीक है ना, कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के मान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, तो इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटिकीकरण, अतः क्यू बराबर हमारा ne, बस हो गया। अरे दो का दो नंबर आप लोगों को देगा, ठीक है ना, आप लोग हम तो 10 ही लिखवाए थे ना, 20 का 20 देगा आपको दो नंबर या में। चलिए एकांक आवेश या एक कूलम आवेश को परिभाषित करें, बताइए एकांक आवेश नामे में है, एकांक, एकांक मतलब का एक,
भैया एकांक मतलब क्या होता है, एक मतलब कि आवेश एक होगा, उनके बीच का दूरी भी एक होगा, हवा में रखेंगे तो जो बल लगेगा वह एक कूलम आवेश होगा चाहे एकांक आवेश होगा। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ, नामे में है एकांक आवेश, मतलब कि आवेश का मान कितना होगा, एक होगा, और आवेश का मान एक होगा ना तो इनके बीच का दूरियो एक होगा, ठीक है ना, दूरियो का होगा एक होगा, इनको कहाँ रखेंगे, हवा में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, हवा में रखेंगे, तो हवा में रखने पर जो बल लगेगा वही तो हमारा एकांक आवेश होता है चाहे एक कूलम्ब बल कहते हैं उसी को। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि दो एकांक आवेश, ठीक है ना, जिनका परिमाण एक होगा और इनके बीच की दूरी एक मीटर होगी और इनको हवा में रखने पर जो बल लगता है उसको एक कूलम्ब बल कहते हैं या एकांक आवेश कहते हैं। बस खत्म, नीचेवा लिख देना है कि Q1, ठीक है ना, नीचेवा लिख देना है Q1 Q2 बराबर लिख देना है एक, उसके बाद R बराबर लिख देना है एक मीटर, ठीक है ना, यहाँ लिख देना है एक कूलम्ब, यहाँ एक मीटर, यहाँ आपका K का मान हो जाएगा 1, हवा के लिए, हवा के लिए K का मान 1 हो जाएगा, तो आपका F का मान क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻¹। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि दो एकांक आवेशों को एक मीटर की दूरी पर रखने पर और हवा में रखने पर जो उनके बीच इतना बल लगता है तो इनको एक कूलम्ब बल कहते हैं। बताइए नामे में है एकांक आवेश, यानी आवेश का मान एक होगा, हवा में मतलब कि रखेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी एक मीटर होगी, इस क्रिया के दौरान जो बल लगेगा उसको कहते हैं एक कूलम्ब बल। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि एक कूलम्ब बल का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻¹ होता है, सॉरी यहाँ के का मान 1 नहीं होगा, यहाँ आप लोगों का एप्सिलॉन आर का मान 1 होगा क्योंकि हवा में रखा है ना। यहाँ देखिए विद्युत बल रेखाएँ क्या है, विद्युत बल रेखाएँ क्या है, तो विद्युत बल रेखाएँ एक काल्पनिक रेखा है, जैसे चुंबक है, चुंबक चुंबक के आसपास क्या होता है, क्षेत्र होता है, तो वो कह रहा है इससे रे निकलता है, क्या होता है, रे निकलता है तो अपने आसपास क्षेत्र बना देता है, तो क्या हम लोग उस रे को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो वैसे ही हमारा क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं जो आवेश में से निकलता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, आवेश में से निकलता है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते हैं, तो देख नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं। जैसे हम बोल दें कि पिछले साल में बाबर था अकबर था, तो क्या अकबर को हम देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो इमेजिंग कर सकते हैं कि बाबर ऐसा था, इतना शक्तिशाली था, ये था वो था, हम इतना सोचते हैं तो इमेजिंग करते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं उसको इमेजिंग करेंगे। तो विद्युत बल रेखाएँ को हम लोग देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं का मतलब क्या है, इमेजिंग है, काल्पनिक है, यहाँ लिखेंगे विद्युत बल रेखाएँ एक काल्पनिक रेखाएँ हैं जो धनात्मक आवेश से निकलती है, ऋण आवेश में प्रवेश करती है, तथा विद्युत बल रेखाएँ पर एकांक आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उसे हम विद्युत बल रेखाएँ कहते हैं। याद हो गया, इनके मुख्य गुण लिखें तो मुख्य गुण बताइए, हम 4-5 को बोल देते हैं, लिख लीजिएगा कि विद्युत बल रेखाएँ के निम्नलिखित गुण हैं, एक नंबर में विद्युत बल रेखाएँ धन आवेश से निकलती हैं, एक हो गया, विद्युत बल रेखाएँ ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, दो गो हो गया, विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं या लंबवत प्रवेश करती हैं, तीन गो हो गया, चौथा विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बताइए इतना सारा आप लोग बोलिएगा मेरे साथ ना तो याद हो जाएगा, मतलब ये वीडियो देख लीजिएगा ना, तो पाँचों का पाँचों आप लोग छाप दीजिएगा, तो चार गो बता दिए, ठीक है ना, ये हो गया, तो आप लोग का पाँचों क्वेश्चन अब याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि पाँचों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे 6 से लेकर 10 तक, ठीक है ना, एक वीडियो में हम 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे, हाँ लगभग हम 120 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, तो 120 में 5 से भागा दीजिएगा ना, तो 5 × 2 कितना जाएगा, 5 × 2 = 10, यहाँ 4 यानी 24 को वीडियो आएगा, 24 को वीडियो में आपका 20 नंबर मिल जाएगा, बताइए 24 को वीडियो 20 नंबर, मतलब एक वीडियो एक नंबर काफ़ी है, बताइए अब 5 से 10 मिनट काफ़ी है, तो 24 को वीडियो में आपका सब्जेक्टिव क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और आपको लिखने का मन होगा तो वीडियो रोक रोक के आंसर लिख सकते हैं। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो भी आपके भाई बहन पढ़ रहे होंगे जिनको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, उनको दबा कर बताइएगा, शेयर करिएगा, ताकि वो यहाँ से पढ़ के अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जय हिंद।